Okay, in this video we are starting with the second chapter of chemistry for class 9. Again the same procedure, main book will be NCERT and as a reference book I'll be taking Super Simplified Chemistry by Dinesh. And uske alawa ye chapter ka name hai is Matter Around Us Pure. Actual mein jo chapter 1 hai and chapter 2 hai, they all are very much interrelated to each other. एक सीक्वेंस में ये कंप्लीट साइकिल चल रहा है. हमने चैप्टर वन में ये पढ़ा एक्चुअली मैटर होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एंड ऑल. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इज मैटर अराउंड अस प्योर. सो टू स्टार्ट ऑफ विद दिस क्लासिफिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इस क्लासिफिकेशन को ही एक्सप्लेन करेंगे. मैटर कैन बी डिवाइडेड इन टू टू स्टेट्स. मैटर दो तरीके का हो सकता है, या तो मैटर प्योर सब्सटेंस होगा या फिर वो इम्प्योर सब्सटेंस होगा जिसे हम कहते हैं मिक्सचर्स. अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूँ तो प्योर सब्सटेंस में दो टाइप ऑफ मटीरियल आता है, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस में यानी मिक्सचर्स में दो टाइप के मिक्सचर्स आते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स. होमोजीनियस मिक्सचर में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी ट्रू सोल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस में वी विल बी स्टडिंग कलॉइड्स एंड सस्पेंशन. दिस इज द मेन थिंग दैट वी विल बी स्टडिंग इन दिस होल चैप्टर. वी हैव टू गिव अ डिटेल्ड डिस्कशन एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑफ वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दैट वी हैव जस्ट सीन इन दिस टेबल. एंड एट द लास्ट वी विल ऑल्सो बी स्टडिंग अबाउट द वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. बट दिस क्लासिफिकेशन एक्सप्लेनेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. Now we are starting with the detailed explanation of each of the type. Now let's look toward the pure substance. Agar main pure substances ki definition par jaun, toh what is the definition for pure substances? The single substance that cannot be separated into various parts by any separation technique. मैं प्योर सब्सटेंस किसी भी उस सामान को बोलूंगी जो कि एक सिंगल सब्सटेंस है जिसको मैं वेरियस कॉम्पोनेंट में या पार्ट्स में सेपरेट कर ही नहीं सकती हूँ कोई भी टेक्निक यूज करके. दैट मीन्स क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैंने सपोज कोई सब्सटेंस लिया है और मैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर पा रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि वो प्योर सब्सटेंस है ही नहीं. क्योंकि अगर वो प्योर सब्सटेंस होता तो उसके वेरियस पार्ट्स नहीं होते, इसका मतलब वो बहुत सारे पार्ट्स को मिक्स करके बनाया गया है, तो वो प्योर सब्सटेंस होता ही नहीं. तो इसलिए प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करने के लिए व्हाट इज दिस, द सिंगल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू वेरियस पार्ट्स बाय एनी सेपरेशन टेक्निक. नाउ लुक एट द इंडिविजुअल डेफिनेशंस ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट कम्स अंडर द प्योर सब्सटेंस. सबसे पहले एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट हम साइंटिफिक लैंग्वेज में उन प्योर सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो सिर्फ सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं. फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड आयरन. अगर मैं गोल्ड का सैंपल लूंगी तो उसमें सिर्फ गोल्ड के एटम्स प्रेजेंट होंगे. अगर मैं आयरन का सैंपल लूंगी तो उसमें सिर्फ आयरन के एटम्स प्रेजेंट होंगे. तो दे आर एलिमेंट्स. इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, they all are elements because they are made up of only single kind of atom. Now come to compound. पहले compounds की definition एक बार हम read out कर लेते हैं, because इसको देखते ही आपके mind में question आएगा कि हमने ऊपर जो pure substance की definition दी है वो गलत है. लेकिन ऐसा नहीं है. Let's look towards it. Compounds की definition क्या होती है? ये वो pure substance हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा kind of atom present होते हैं, जो कि आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं और वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में. फॉर एग्जांपल H2O जो कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन या हम मार्बल कह सकते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला है. अब सिंपल आप एक चीज को देखिए, हमने कंपाउंड में ये कहा कि हम उसे दो या दो से ज्यादा काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनाते हैं जो कि आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं और साथ में वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स किए जाते हैं. लेकिन ये डेफिनेशन तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है जो हमने ऊपर प्योर सब्सटेंस की थी.
दैट इज क्योंकि हमने ऊपर कहा कि प्योर सब्सटेंस वो है जो सिर्फ सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बनता है, तो क्या इसका मतलब जो कंपाउंड्स हैं वो प्योर सब्सटेंस में नहीं आते? नो, कंपाउंड्स जो हैं वो प्योर सब्सटेंस में ही आते हैं। इस चीज़ का एग्जैक्ट डिफरेंस आपको तब पता लगेगा जब हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे, इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो फॉर लाइकवाइज ओनली फॉर नाउ आप इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो, दैट प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन टू और मोर काइंड ऑफ एटम विच आर केमिकली कम्बाइंड इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इस फिक्स्ड रेशियो बाय मास का क्या मीनिंग है? लुक एट द एग्जाम्पल, अगर मैं H2O की बात कर रही हूँ, दैट इज वाटर, तो ये वाटर कब बनेगा? जब मैं इसमें दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का ऐड करूंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं तीन एटम हाइड्रोजन के ले लूँ, दो एटम ऑक्सीजन के ले लूँ अपनी मर्जी से और वाटर बना दूँ। नो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए बोला गया है कि ये वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एटम फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं, एक फिक्स्ड पैरामीटर है जिनके बेसिस पर ही ये केमिकल कंपाउंड बन सकता है। हम अपनी मर्जी से कोई भी एटम, कितने भी एटम ऐड करके कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। दिस इज व्हाट इंश्योर्स द प्योरिटी ऑफ दीज केमिकल कंपाउंड्स। बाकी इन कंपाउंड्स के बारे में जो एक बेसिक डिफरेंस है जो कि ये कैसे मिक्सचर से अलग है, ये क्यों प्योर सब्सटेंस इनको हम कंसिडर कर रहे हैं इन स्पाइट दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ एटम, ये चीज़ तब प्रॉपरली क्लियर होगी जब हम इम्प्योर सब्सटेंसेज यानी मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक टूवर्ड्स एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट्स की भी और थ्री क्लासिफिकेशंस थी, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। वन बाय वन हम एलिमेंट की उस हर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो टू स्टार्ट ऑफ विद, एलिमेंट्स का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो था मेटल्स। मेटल्स के अगर बारे में हम बात करें तो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद देयर डिफरेंस पढ़ चुके हैं, बट येट टू रिवाइज। मेटल्स की अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, हालांकि हमारे पास कुछ एक्सेप्शन भी हैं जैसे कि मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड। उसके अलावा वेरी क्लोजली पैक्ड एटम्स, जो मेटल होते हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो डेफिनेट सी बात है अगर उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे तो दे विल बी वेरी हार्ड इन नेचर, दैट्स वाई दे आर सॉलिड, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी सॉलिड। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर हैविंग शाइनी सरफेसेस, मोस्ट ऑफ द मेटल्स में शाइनी सरफेसेस होते हैं, दैट मीन्स दे हैव लस्चरस सरफेसेस, दे हैव लस्चर ऑन देयर सरफेसेस। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन हमारे पास इस केस में भी एक्सेप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जो लेड है वो एक मेटल है लेकिन इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। उसके अलावा मेटल्स अगेन जनरली वेरी हार्ड, लेकिन इस केस में भी हमारे पास एक्सेप्शन है। इफ़ यू रिमेंबर, सोडियम और पोटाशियम दो ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम ब्लेड से या नाइफ से भी कट कर सकते हैं, तो एक्सेप्शन विद ईच प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मेटल्स। उसके अलावा जो मेटल्स हैं उनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मेलिएबिलिटी का मीनिंग होता है वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड डक्टिलिटी मीन्स कि हम मेटल्स को लॉन्ग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेटल्स हैं वो सोनोरस होते हैं, यानी उनको अगर हम किसी हार्ड सब्सटेंस से हिट करेंगे तो वो हमें टिंगलिंग साउंड जो है प्रोड्यूस करके देंगे। उसके अलावा मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको आयरन को मेल्ट करना हो तो जस्ट थिंक ओवर इट कि हमें कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उसे हीट करना पड़ता है, लेकिन इस केस में भी एक्सेप्शन है। हमारे पास सीजियम और गैलियम दो ऐसे मेटल्स होते हैं जो अगर आप उन्हें अपने पाम के ऊपर रखेंगे, हाथ में भी अगर आप उन्हें लेंगे, तो वो आपकी बॉडी हीट की वजह से मेल्ट हो जाएंगे। तो सीजियम एंड गैलियम आर द टू एक्सेप्शंस टू दिस पॉइंट बिकॉज दे आर हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ लुक एट द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, नाउ लुक एट द वेरियस जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली दे आर सॉलिड और गैस एट द रूम टेम्परेचर, RT मीन्स रूम टेम्परेचर, लेकिन इस केस में हमारे पास एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है और वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है।
उसके अलावा मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल अपीयरेंस के होते हैं, उनमें कोई शाइन कुछ प्रेजेंट नहीं होता, दे आर वेरी डल अपीयर्ड. लेकिन इस केस में भी हमारे पास एक्सेप्शन है, दैट इज आयोडीन. आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत हाईली लस्टरस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. अगेन इसमें भी एक्सेप्शन है, हमारी बैटरीज में इलेक्ट्रोड्स में यूज होने वाला जो लेड होता है, यानी वो कार्बन ही है. लेड, सॉरी लेड नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन इलेक्ट्रोड्स जो प्रेजेंट होती हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स जो प्रेजेंट होती हैं. तो ये जो ग्रेफाइट होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि ये एक नॉन मेटल है. उसके अलावा जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. इसमें भी एक्सेप्शन है, डायमंड जो है वो भी एक नॉन मेटल के अंडर ही काउंट होता है, बिकॉज इट इज़ अ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, वो कार्बन से ही बना होता है डायमंड. तो डायमंड जो है इट इज़ हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, तो वो एक एक्सेप्शन है. बाकी नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं. उसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी ना तो हम उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना हम उनकी लॉन्ग वायर्स बना सकते हैं, क्योंकि वो मोल्ड नहीं किए जा सकते, वो ब्रिटल होते हैं. अगर हम उन्हें किसी हार्ड सब्सटेंस से हिट करेंगे तो वो टूट जाएंगे. यही रीज़न है कि वो नॉन सोनोरस भी होते हैं, उनसे कोई टिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती. जो नॉन मेटल्स हैं उनका जो जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है एज कम्पेयर टू द मेटल्स. एग्जाम्पल है नॉन मेटल्स के ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. नाउ लुक एट द प्रॉपर्टीज, लेट्स टॉक अबाउट मेटलॉइड्स ऑल्सो, दैट वट आर मेटलॉइड्स. ओके, द लास्ट क्लासिफिकेशन दैट कम्स अंडर द प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स इज सेमी मेटल्स ओनली. सेमी मेटल्स नाम से ही क्लियर है, ऐसे सब्सटेंसेस जो ना तो कम्प्लीटली मेटल्स होंगे और ना कम्प्लीटली नॉन मेटल्स होंगे. सेमी मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से कुछ कुछ परसेंट तक मैच करती हुई होगी. दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ. So this was all about the elements. Now let's talk about compounds. Now the next classification, compound, let's look over the various characteristics that a compound possess. First of all, compounds are composed of the various elements that are present in the fixed ratio. Har ek compound alag alag type ke एटम से मिलकर ज़रूर बना होता है, अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर ज़रूर बना हुआ होता है, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स एक कंप्लीट फिक्स्ड रेशियो में ही प्रेजेंट होते हैं. जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल दिया था, हम अपनी मर्जी से कितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन या कितने भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स नहीं ऐड कर सकते टू मेक वाटर. वो एक फिक्स्ड नंबर है जिसमें ही हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा और तभी वाटर बनेगा. ये जो कंपाउंड होते हैं ये ऐसा नहीं है कि मैंने हाइड्रोजन उठाया, ऑक्सीजन उठाया, उन्हें मिक्स कर दिया और कंपाउंड बन गया. नो, एक्चुअल में ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही बनते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के टाइम पर प्रॉपर एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, केमिकल बॉन्ड बनेगा, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट केमिकल कंपाउंड. उसके अलावा जो कंपाउंड बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से जिनसे मिलकर कंपाउंड बना है. फॉर एग्जांपल ए और बी ने कंबाइन होकर हमें कंपाउंड दिया सी, तो ए और बी की जो प्रॉपर्टीज होंगी या सी की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपस में बिल्कुल मैच नहीं होंगी. द प्रॉपर्टीज ऑफ सी विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ ए एंड बी. उसके अलावा कंपाउंड, ये जो केमिकल कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इनको हम सिंपल टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते. अगर मैं चाहूँ कि मैं वाटर लेकर उसमें से हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग कर दूँ सिंपल टेक्निक यूज़ करके, तो वो पॉसिबल नहीं है. लास्ट, जो केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन है, यानी जब जब केमिकल रिएक्शन होगी एक केमिकल कंपाउंड को बनाने की, तो उसमें एनर्जी चेंज ज़रूर होगा, यानी या तो उस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी इवॉल्व आउट होगी. सो दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स. वी हैव स्टडीड अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस, वी हैव स्टडीड अबाउट एलिमेंट्स ऑल्सो, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द कंपाउंड्स ऑल्सो. नाउ लुक एट द इम प्योर सब्सटेंसेस, लेट्स टॉक अबाउट मिक्सचर्स.
ओके, नाउ लेट्स लुक टुवर्ड द इम्प्योर सब्सटेंसेस. इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इम्प्योर सब्सटेंसेस या फिर मैं कहूँ मिक्सचर्स, इनकी डेफिनेशन पढ़ते ही यू विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड इम्प्योर मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंसेस. सो लेट्स लुक टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस. द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज विच कंबाइन बाय ओनली फिजिकल मीन्स एंड कैन बी कंबाइंड और मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन. इम्प्योर सब्सटेंसेज उन सब्सटेंसेज को बोला जाता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेज आपस में मिक्स होते हैं, और वो भी बाय फिजिकल मीन्स ओनली. मतलब उनमें कोई केमिकल बॉन्ड, कोई केमिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं होती है, एंड वो किसी भी प्रपोर्शन में अपनी मर्जी से मिक्सड होते हैं. कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं सेट होता कि इसी प्रपोर्शन में ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये सब्सटेंस और ये सब्सटेंस आपस में मिक्स होगा तभी ये सब्सटेंस बनेगा. नो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी किचन से एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ, खिचड़ी, उसमें आप कितना भी अमाउंट ऑफ दाल एंड कितना भी अमाउंट ऑफ राइस कैन बी एडेड टू इट. पल्स और राइस का कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता, इट डिफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. लेकिन अगर मैं केमिकल कंपाउंड्स की बात कर रही थी अभी कुछ मिनट पहले, तो आई वॉज टॉकिंग के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स वहाँ पर कंबाइंड ज़रूर होते हैं, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड प्रॉपरली बना होता है, और एक फिक्स्ड रेशियो में ही एलिमेंट जो हैं वो आपस में कंबाइन हो सकते हैं. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स. नाउ मिक्स जो इम्प्योर सब्सटेंसेज हैं मिक्सचर्स, उनकी जो वेरियस कैटेगरीज थी, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. लेट्स लुक टुवर्ड देम दैट व्हाट दे एक्चुअली आर. सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर्स की अगर मैं बात करूँ, होमो होमो मीन्स यूनिफॉर्म या फिर सेम, एक जैसा. तो होमोजीनियस मिक्सचर्स उन मिक्सचर्स को बोला जाता है जिसमें जो मिक्सचर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एकदम प्रॉपरली मिक्स्ड होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, और आप उस मिक्सचर को देखकर ये नहीं बता सकते कि नहीं ये जो लेयर है ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट की है, ये लेयर जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट की है. नो. आपको वो पूरा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है, आप उसे देख के उन्हें सेपरेट आउट नहीं करके बता सकते नेकेड आइज से. फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट सोल्यूशन एंड शुगर सोल्यूशन. अगर मैं सॉल्ट सोल्यूशन बनाती हूँ तो क्या आप उस ग्लास ऑफ टम्बलर में ये बता सकते हैं कि यहाँ यहाँ सॉल्ट प्रेजेंट है, यहाँ यहाँ शुगर प्रेजेंट है? नो. क्योंकि सॉल्ट और शुगर जो है वो कंप्लीटली डिजॉल्व होकर एकदम यूनिफॉर्म मिक्सचर रेडी करते हैं. लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करूँ तो उसमें क्या होगा? हेट्रो मीन्स डिफरेंट. यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के केस में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में मिक्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती है, और आप उस मिक्सचर में ही सेपरेट लेयर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्लियरली देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल लिए हैं सैंड एंड वाटर एंड चॉक एंड वाटर. अगर मैं सैंड को पानी में डालूं तो कुछ देर तक अगर मैं उसे छोड़ दूं तो मुझे सेपरेट लेयर्स उसमें दिखाई दे जाएंगी, नीचे सैंड सेटल डाउन हो जाएगा एंड ऊपर वाटर का लेयर. ऐसे ही चॉक एंड वाटर की अगर मैं बात करूं तो चॉक की लेयर नीचे आ जाएगी और उसके ऊपर वाटर आ जाएगा. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जिसमें यूनिफॉर्मली मिक्सड नहीं होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनकी सेपरेट लेयर्स जो हैं वो विजिबल रहती हैं. सो दीज आर द इम्प्योर सब्सटेंसेज एंड दीज आर द टू वेरियस काइंड ऑफ हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर. नाउ वी विल बी लुकिंग एट द फर्दर देयर क्लासिफिकेशन. होमोजीनियस में हमें ट्रू सोल्यूशंस पढ़ने हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में हमें कोलॉइडल्स पढ़ने हैं और सस्पेंशंस पढ़ने हैं. नाउ अब हम होमोजीनियस मिक्सचर्स में जो हमारा एग्जाम्पल है ट्रू सोल्यूशंस, हम ट्रू सोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे. ट्रू सोल्यूशंस, सबसे पहले इसको सिर्फ सोल्यूशंस भी बोला जाता है और बाइनरी सोल्यूशन भी बोला जाता है. बाई का मतलब होता है टू, बी आई, बाई मीन्स टू. इसे बाइनरी सोल्यूशंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट एक सोल्यूशन में उसे बोला जाता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट उसे बोला जाता है जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सॉल्ट सोल्यूशन की या शुगर सोल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्ट सोल्यूशन के केस में सोल्यूट होगा सॉल्ट और सॉल्वेंट होगा वाटर, क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन में जो सॉल्ट है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है और जो सॉल्वेंट है वाटर वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. सो दिस इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. इसके अलावा जो सोल्यूशंस होते हैं उनकी मेजर तीन कैटेगरीज होती हैं, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, गैसेस सोल्यूशन.
इनको हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट होगा सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर सॉल्यूशन मिक्स होगा। लिक्विड सॉल्यूशन के केस में लिक्विड के अंदर चीज़ें मिक्स होंगी, और गैसेस के केस में गैस के अंदर चीज़ें मिक्स होंगी। तो ऑन एन एवरेज टोटल 9 काइंड ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। क्योंकि अगर मैं सॉलिड सॉल्यूशन की बात करूँ तो मैंने सॉल्वेंट जो है सॉलिड फिक्स कर दिया, लेकिन उसके अंदर मैं सॉलिड भी ऐड कर सकती हूँ, लिक्विड भी ऐड कर सकती हूँ, गैस भी ऐड कर सकती हूँ एज अ सॉल्यूट। तो सॉलिड के 3 केसेस बने, जिसमें एक बार सॉल्यूट सॉलिड है, एक बार लिक्विड है और एक बार गैस है। ऐसे ही लिक्विड सॉल्यूशंस के भी 3 केस बने, जिसमें सॉल्यूट एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड, एक बार गैस है। और ऐसे ही गैसियस सॉल्यूशंस में भी 3 केस बने, जिसमें एक बार सॉल्यूट सॉलिड है, लिक्विड है और एक बार गैस है। सो लेट्स लुक टुवर्ड द टेबल ऑफ दीज 9 सॉल्यूशंस, क्योंकि इनके एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस टेबल हैज़ बीन प्रेजेंट, इज प्रॉपरली मेंटेन्ड इन योर बुक्स ऑल्सो। वंस यू विल गेट थ्रू योर बुक यू विल ईजिली फाइंड इट। लुक एट द टेबल नाउ। ओके, लुक एट द टेबल नाउ। दीज आर द टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। जो पहले 3 केसेस आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, यानी ये सॉलिड सॉल्यूशंस हैं, जिसके अंदर एक बार हमने गैस ऐड करी, एक बार लिक्विड और एक बार सॉलिड एज सॉल्यूट। और आगे उनके एग्जांपल्स हैं प्रॉपरली। सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली ये हम नहीं सोच सकते हैं। जो एलॉयज होते हैं, यानी जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं, एक्चुअल में वो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि सारे मेटल्स जिनको हम मिक्स करेंगे एलॉय बनाने के लिए वो सॉलिड है। लेकिन वो ट्रू सॉल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टील की बात करूं तो जो स्टील है वो एक एलॉय है। क्या आप एक स्टील को देखकर ये बता पाते हैं कि इतना पोर्शन आयरन है, इतना पोर्शन कार्बन है, इतना पोर्शन निकल है? नहीं बता पाते। दैट मीन्स इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्सड है। तो सॉलिड सॉलिड का एक एग्जाम्पल है एलॉयज। उसके अलावा नेक्स्ट जो 3 कैटेगरीज हैं वो आपकी लिक्विड सॉल्यूशंस की हैं, क्योंकि उसमें लिक्विड सॉल्वेंट यूज़ किया गया है। और जो अगली 3 कैटेगरीज हैं वो गैस सॉल्यूशंस की है। इट्स माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू दैट आपको इन सारे केसेस का एक एक एग्जांपल ज़रूर लर्न होना चाहिए। सो बेटर यू नोट डाउन दिस टेबल इन योर नोट्स नोटबुक, जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं। एंड प्लीज़ ट्राई टू लर्न एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच काइंड। ओके, हमारे पास एक कैटेगराइजेशन और है। ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं प्रॉपरली स्टडी करनी, एंड दैट आर ट्रू सॉल्यूशंस जो हैं वो 3 टाइप के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। या तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, या फिर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, या फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। जो अगर मैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करूँ तो व्हाट इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? जिन सॉल्यूशन में और भी ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करने की स्पेस है। फॉर एग्जांपल, पहले एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है तो मैं उसमें जब शुगर ऐड करूँगी तो एक पॉइंट तक तो वो शुगर डिज़ोल्व होती रहेगी। मैंने उसमें 1 स्पून शुगर डिज़ोल्व कर दी, 2 स्पून शुगर डिज़ोल्व कर दी, लेकिन उस ग्लास में फिर एक पॉइंट आएगा जब और शुगर ऐड होनी बंद हो जाएगी। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज स्टेजेस। उसके बाद हम एक काम और कर सकते हैं। अगर मैं उस वाटर के में जो शुगर एडेड है बहुत एक्सेस अमाउंट में, जो उसमें अब डिजोल्व नहीं हो रही है, उसे मैं अगर थोड़ा सा भी हीट कर दूं, पानी को थोड़ा सा गर्म कर दूं, या उस पूरे सॉल्यूशन को ही वार्म कर दूं, तो वो शुगर वापस से डिजोल्व होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा फिर कि अब आप पानी को कितना भी गर्म करते रहो, सॉल्यूशन को कितना भी गर्म करते रहो, उसमें और शुगर ऐड होनी नहीं लाइक पॉसिबल हो पाएगी। तो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ दिस ट्रू सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इजीली, जिसमें अभी और स्पेस है कि हम इजीली सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है, सैचुरेट नहीं हुआ है सॉल्यूट से। उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ऐड करने का स्पेस नहीं है, उसमें और शुगर मिक्स नहीं हो रही है, और सॉल्यूट मिक्स नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को थोड़ा सा हीट अप कर दूं, थोड़ा वार्म कर दूं, तो वो सॉल्यूट जो है वो वापस डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, यानी उसमें और स्पेस बन जाएगा सॉल्यूट ऐड अप
होने का। लेकिन फिर एक लास्ट स्टेज आती है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें और सोल्यूट ऐड हो ही नहीं सकता, इवन आप उस सोल्यूशन को कितना भी हीट कर लो, बिकॉज मैं ऑलरेडी हीट अप करके उसमें जितना सोल्यूट ऐड होना था वो कर चुकी हूँ। सो दीज आर द थ्री वेरियस स्टेजेस ऑफ द सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। लेट्स लुक टूवर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रू सोल्यूशन, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। If we talk about the various properties out of that, first is solutions are homogeneous in nature. That means throughout the composition of solute and solvent in the solution is uniform. Homogeneous mixture, because ye already homogeneous mixture hi hai, so definitely it will be having homogeneous nature only. हमें अगर मैं कोई भी ट्रू सोल्यूशन ले लूँगी तो मुझे उसके सोल्यूशन में कभी भी सेपरेट लेयर्स नहीं दिखाई देंगी, मुझे पूरा सोल्यूशन यूनिफॉर्म दिखाई देगा। उसके अलावा दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रू सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स का साइज होता है, यानी जो सोल्यूट का साइज होता है, सोल्यूट यानी जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, मतलब जिसका डायमीटर होता है 10^-9 मीटर। यानी अगर मैं सोल्यूट पार्टिकल को सर्कुलर फॉर्म में ज्यूम कर रही हूँ तो जो उसका डायमीटर होगा दैट विल बी 10^-9 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। मैंने ऊपर सोल्यूट पार्टिकल का साइज बताया, इससे वी कैन से कि पार्टिकल्स कितने ज़्यादा स्मॉल हैं सोल्यूट के। तो इस पूरे सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको नेकेड आइज से या फिर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से नहीं देख सकते। वी नीड एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स और एनी एडवांस्ड टेक्निक टू सी द वेरियस पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट फॉर द ट्रू सोल्यूशन। अगेन, पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि दे कैन पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अगर आप इस सोल्यूशन को फिल्टर करना चाहो तो फिल्टर पेपर, खाली ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की हेल्प से आप इन पार्टिकल्स को फिल्टर अप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो फिल्टर पेपर में से भी निकल जाएगा। इसके अलावा अगर हम किसी भी ट्रू सोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं तो हमें सोल्यूट पार्टिकल की लेयर नीचे सेटल डाउन होती हुई नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब सोल्यूशन स्टेबल होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ देर सोल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। नो, इट डजंट हैपन। उसके अलावा पार्टिकल्स का साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है कि अगर मैं किसी भी ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स के ऊपर कोई लाइट स्कैटर करूँगी, कोई लाइट डालूंगी, सपोज कोई टॉर्च इंसिडेंट कर रही हूँ, तो वो सोल्यूशन इस लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, यानी हमें लाइट जो है उसका पाथ विजिबल नहीं होगा। एक्चुअल में इस पूरे प्रोसीजर को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जो भी आगे लाइक आफ्टर फ्यू मिनट्स विल बी टेकिंग इट्स कंप्लीट डेफिनेशन। लेकिन ट्रू सोल्यूशन जो है वो पार्टिकल्स, ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, दैट मीन्स दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। उसके अलावा अगर कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन है तो उसको हम हीट कर दें तो वो अनसैचुरेटेड बन जाता है। ये हमने ऑलरेडी कल बात करी थी, ऑलरेडी पिछली वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट दिस कि तीन टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट करती है, दैट इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रू सोल्यूशंस आर सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर। नेक्स्ट, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो कि वॉट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ क्या मीनिंग है? रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन। अगर मुझे एक शुगर सोल्यूशन दे दिया गया है तो उसमें कितना सोल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की रिलेटिव अमाउंट्स हमें बताए, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। और इसी के बेसिस पर, रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पर सोल्यूशंस कैन बी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट सोल्यूशंस हम उन्हें बोलेंगे जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, सोल्यूट का अमाउंट कम होगा, और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हम उसे बोलेंगे जिसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा। Now the question arises that how concentration of solution can be expressed? हम कैसे बता सकते हैं, कैसे express कर सकते हैं कि ये concentration है इस solution की? तो इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं, that is mass percent and volume percent. Mass percent का क्या meaning है?
पहले इसका फॉर्मूला देखने से पहले एक छोटा सा लाइक डिस्कशन करते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि आपके साइंस में कितने मार्क्स आए हैं उसका परसेंटेज निकालो, तो आप कैसे निकालते हैं? ऑब्टेंड मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100. तो यहां पर मास परसेंट निकालने के लिए भी कुछ ऐसा ही किया गया है. मैं एजम्पशन के लिए ले रही हूं कि मैंने ए अल्फाबेट जो लिया वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बी अल्फाबेट है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर मुझे निकालना है मास परसेंट ऑफ ए यानी मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मुझे ये निकालना है कि जो मुझे सॉल्यूशन दिया गया है उसमें कितना परसेंट सॉल्वेंट है मास के अकॉर्डिंग, यानी कितने परसेंट वेट है मेरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का. तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. अब मैंने डिनोमिनेटर में बोला मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या क्या है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट. मैं इन दोनों के मासेस को अगर प्लस कर दूंगी तो वो मास ऑफ सॉल्यूशन ही तो बन जाएगा. तो दिस इज मास परसेंट ऑफ ए दैट इज सॉल्वेंट. इसी तरीके से मुझे अगर मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना हो कि कितने परसेंट बाय मास सॉल्यूशन में मेरा सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो वो मैं कैसे निकालूंगी? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. हमें जिसका मास परसेंटेज निकालना है हम उसका मास रखेंगे न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. इसका इलस्ट्रेशन एक एग्जांपल की हेल्प से हम कर सकते हैं. लेट्स लुक एट द न्यूमेरिकल. इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है कि अ सॉल्यूशन हैज 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 95 ग्राम ऑफ वाटर. हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 95 ग्राम हमने वाटर डाला है और 5 ग्राम हमने यूरिया डाला है. तो बट ऑब्वियस ही बात है, आपको इस सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा है कि वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और जो यूरिया है वो सॉल्यूट है. तो मैंने हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ यूरिया, यानी मुझे क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट. तो मैं कैसे निकालूंगी? मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा 5 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखा 95 ग्राम, और सॉल्यूट वेट परसेंट का मैंने फॉर्मूला लिखा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट यानी डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. मैंने सारी वैल्यूज पुट करी तो मेरा आंसर आ गया 5%. अब इसका मीनिंग क्या है कि मेरे सॉल्यूशन में 5% यूरिया है वेट के अकॉर्डिंग. इज दिस थिंग क्लियर? उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम परसेंट. वॉल्यूम परसेंट का क्या मीनिंग है? मास परसेंट में हमने क्या किया? मास के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करी. वॉल्यूम परसेंट में हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करेंगे. अगर मुझे सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंट निकालना है कि मेरे सॉल्यूशन में कितना परसेंट वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, तो मैं कैसे निकालूंगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. इसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका. साइड में न्यूमेरिकल है. अ सॉल्यूशन हैज 5 ml अल्कोहल मिक्स्ड विद 75 ml ऑफ वाटर. हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मैंने 5 ml अल्कोहल को मिक्स किया है 75 ml ऑफ वाटर के साथ, यानी वाटर मेरा सॉल्वेंट है, अल्कोहल मेरी सॉल्यूट है. मुझे क्या निकालना है? कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट ऑफ अल्कोहल. मुझे अल्कोहल का वॉल्यूम परसेंट निकालना है. तो यानी मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिखी और मैंने फॉर्मूला डाला, तो मुझे वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालनी है. तो मैं ऊपर लूंगी सॉल्यूट की वॉल्यूम डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. तो मेरी परसेंटेज निकल जाएगी, दैट इज 6.25%. इसका मीनिंग क्या है कि मेरे सॉल्यूशन में 6.25% अल्कोहल है बाय वॉल्यूम. सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू बी अंडरस्टूड, बिकॉज आपके हायर क्लासेस में यही चीज़ और ज़्यादा एडवांस होती जाती है कि सो वी आर हैविंग टू वेज इन विच वी कैन एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन मैथमेटिकल टर्म. अगर मुझे प्रॉपरली डिफाइन करना हो कि सॉल्युबिलिटी का क्या मीनिंग होता है, तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर.
सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट का मतलब वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है जो मुझे चाहिए 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व करके एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, वो भी एक गिवन टेम्परेचर पर. दैट मीन्स अगर मैं मैथमेटिकली फॉर्मूला दूं तो सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100. और सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट जो है वो हमेशा ग्राम्स में आती है. तो अगर मैं इसे लेमन लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो उसका मीनिंग क्या है, अगर मुझे एक शुगर सोल्यूशन की सोल्युबिलिटी पता लगानी है शुगर की, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी उसको, मैं कैसे डिफाइन करूंगी कि मुझे 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने ग्राम ऑफ शुगर मिक्स करनी पड़ेगी अगर मैं उसे रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना चाहती हूँ. दैट इज सोल्युबिलिटी. एक न्यूमेरिकल भी है हमारे पास, यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वाया दिस. क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट आर डिजॉल्व्ड इन 40 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. अगर मैं 4 ग्राम सोल्यूट को 40 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व कर रही हूँ तो मुझे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल रहा है. कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट की सोल्युबिलिटी कितनी है, तो यानी अगर 4 ग्राम सोल्यूट हमें चाहिए 40 ग्राम ऑफ वाटर में डालने के लिए सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, तो मुझे 100 ग्राम वाटर में मिलाने के लिए कितना सोल्यूट चाहिएगा, क्योंकि सोल्युबिलिटी तो वही है जो हमें 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व करने के लिए मास चाहिए सोल्यूट का. तो मैं क्या करूंगी, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. तो आंसर आया 10 ग्राम. दैट मीन्स सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इज 10 ग्राम. मुझे 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा एक गिवन टेम्परेचर पर. Now the thing is that what is the effect of solubility, what is the effect of temperature on the solubility of salt in water. हालांकि यहाँ पे मैंने example salt के लिए लिया है, लेकिन ये किसी भी solute के लिए है कि temperature जो है वो solubility को कैसे effect करता है. अभी हमने last time ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम एक unsaturated solution में convert करना चाहते हैं अपने saturated solution को, तो अगर मैं saturated solution को थोड़ा सा warm up कर दूँ, heat up कर दूँ, तो वो unsaturated हो जाता है वापस से, उसमें और solute dissolve होने लग जाता है. तो इसका मतलब temperature बढ़ाने से solubility बढ़ रही है, लेकिन actual में case थोड़ा सा इससे different होता है. सबसे पहले इसके लिए आपको दो टर्म्स जाननी ज़रूरी हैं, दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. हम किसी भी उस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं जिस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है. इसका मतलब अगर मैं सॉल्ट को और वाटर को मिक्स करना शुरू करूं और जो मेरा कंटेनर है वो बाहर से ठंडा हो जाए, इसका मतलब उस सिस्टम ने अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तभी तो बाहर की सराउंडिंग्स ठंडी हो गई. तो ऐसा प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक बिकॉज द एनर्जी हैज बीन एब्जॉर्ब्ड. लेकिन अगर मैंने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया और मेरा कंटेनर गर्म हो गया, यानी एनर्जी बाहर एग्जिट लिए एनर्जी ने, यानी एनर्जी इज इवॉल्व्ड, तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक. तो अगर हमारा प्रोसेस एंडोथर्मिक है, हमारे प्रोसेस में एनर्जी अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, तो अगर मैं सोल्युबिलिटी को अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी तो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी. इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसीजर, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी वैसे वैसे सोल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. लेकिन अगर मैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रही हूँ, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगी वैसे वैसे सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. So these two points are very much important along with this formula and numerical related to solubility. It is very much important. This whole concept is very much important. Now we have completed homogeneous mixtures. Homogeneous mixtures में हमें true solution पढ़ना था. True solution के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया. Now let's move toward the heterogeneous mixtures and talk about colloids and suspensions.